जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेवल विथ दिलीप में। और भैया, आप सबका बराबर डिमांड हो रहा था कि भैया दानापुर दिखा दिए, तो पाटलिपुत्रा जंक्शन का एक जो है डॉक्यूमेंट्री हमें दिखलाई है। तो चलिए, अभी आप देख सकते हैं, अभी हम खड़े हैं पाटलिपुत्रा के पास में, और हैकर ब्लॉग्स इन्होंने बोला कि सर पाटलिपुत्रा स्टेशन का ब्लॉग दिखाइए। तो चलिए आपको दिखाते हैं पाटलिपुत्रा स्टेशन का ब्लॉग। पहले आपको बाहर से दिखाते हैं, उसके बाद अंदर लेके चलते हैं, कितनी ट्रेनें खुलती हैं सब कुछ आपको दिखा देंगे। तो वीडियो में भैया अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप स्टेशन पे आते हैं तो क्या करना है कि मास्क को जरूर लगाना है। तो चलिए पहले आपको बाहर से दिखाते हैं। और बाहर से आप देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है हमारा पाटलिपुत्रा जंक्शन। और यहाँ पर आपको जो है कार पार्किंग भी मिल जाती है, और यहाँ पे आपको जो है बाइक पार्किंग की भी व्यवस्था आपको मिल जाती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि बाइक कहाँ पर पार्क हो रहा है। कार पार्किंग आपने देख लिया, तो देख सकते हैं ये जो है बाइक पार्किंग, मतलब कि यहाँ पे आप बाइक पार्क करके आसानी से जो है आपको जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं, और फिर वापस आने के बाद आप बाइक यहाँ से अपना ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी व्यवस्था है पाटलिपुत्रा जंक्शन के पास में। और एक भीड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ वाइड एंगल से, यहाँ से आपको हर जगह जाने के लिए आपको ऑटो मिल जाएगा। जैसे कि आपको पटना जंक्शन जाना हो, रुकनपुरा जाना हो, जगदेव पर जाना हो, आपको जाना हो असियाना जाना हो, आपको हर जगह जाने के लिए आपको यहाँ से ऑटो मिल जाएगा। और यहाँ की आसपास की दुकानें आप देख सकते हैं, और तमाम ऑटो यहाँ पर खड़ी हैं। आप चाहें तो यहाँ से आप ऑटो रिजर्व भी कर सकते हैं। जी हाँ, और इसे ओपन किया गया था 2015 में, और इसे इलेक्ट्रिफाइड किया गया था 2013 में। यहाँ देखिए पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था आपको यहाँ पर मिल जाती है पाटलिपुत्रा जंक्शन के पास में। अब आपको आगे दिखाते हैं, एक फूड ट्रैक बनाया गया है। ये देखिए, ये फूड ट्रैक है, ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप बैठ करके कुछ खा सकते हैं। और यहाँ पर जो है स्वचालित सीढ़ियों का भी व्यवस्था किया गया है। अगर जो लोग दिव्यांग हैं, जो चल नहीं सकते हैं, वो इन सीढ़ियों का उपयोग करके एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हमें दिखी पाटलिपुत्रा जंक्शन के पास में। और अब आपको लिए चलते हैं अंदर, और ये इसका मेन इंट्रेंस है जहाँ से हम लोग पाटलिपुत्रा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर इंटर करेंगे। और सामने आपको सीसीटीवी कैमरा भी दिख रहा होगा। अंदर जाने से पहले आप बाहर से देखिए कैसा दिखता है। बौद्धिक वृक्ष को यहाँ पर जो है दिखाया गया है, महात्मा बुद्ध का जो प्रति जो फोटो है उसको दिखाया गया है। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है यहाँ पर जो है सम्राट अशोक, जी हाँ, जो आप देख सकते हैं। थोड़ा करीब लेकर चलते हैं आपको, वहाँ से दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये सम्राट अशोक का जो तस्वीर है यहाँ पर दिखाया गया है बाहर में, मतलब कि हम बिहार की धरती से हैं, इसे यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ से प्रतिदिन 50,000 पैसेंजर जो है बोर्ड करते हैं। जी हाँ, और ये मैं आपको दूसरे साइड में लेकर के आ चुका हूँ। यहाँ पर भी बौद्धिक वृक्ष और चाणक्य का जो फोटो है वो दिखाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं हमारे इस वीडियो में। और अब आपको लिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक पर, और ये इसका मेन इंट्रेंस है जहाँ से आप प्लेटफॉर्म नंबर एक पर इंटर करिएगा। और इसे ऑपरेट करती है दानापुर डिवीज़न, और यहाँ से जो है पटना सोनपुर हाजीपुर सेक्शन और पटना पहलेजा घाट छपड़ा लाइन यहाँ से जो है होकर के जाती है। और इधर आपको दिखेगा टिकट काउंटर, जो कि 4 टिकट काउंटर्स बनाए गए हैं। और ऊपर में आपको दिखेगा तस्वीर, जो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी अच्छी जो यहाँ पर फोटो है उसको जो है दिखाया गया है, मतलब कि हम बिहार से हैं, ये हमको यहाँ पर देखने को पता चलता है कि हम बिहारी हैं। और इधर आपको देखिएगा पूछताछ काउंटर, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर, जहाँ से आप अपनी ट्रेनों के बारे में पता कर सकते हैं। अब आपको एक नंबर प्लेटफॉर्म पर लेकर के आ चुके हैं, और यहाँ पे आपको जो है चार्जिंग सॉकेट की व्यवस्था आपको मिल जाती है। और पहले आप देखिए कि एक नंबर प्लेटफॉर्म जो कितना साफ़ सुथरा है, जी हाँ, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। कोविड के टाइम में साफ सुथरा होना भी चाहिए हमारे पाटलिपुत्रा जंक्शन को। और यहाँ से जो है 3 स्टेशन जो है जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, एक आपका जो है दानापुर, एक आपका है पटना जंक्शन है, और आपका राजेंद्र नगर। और यहाँ पे आपको जो है फूड स्टॉल भी दिख जाते हैं। इधर आपको फूड ट्रैक दिख रहा होगा, मतलब कि यहाँ से आप जो है खाने पीने का चिप्स ये सब जो है आप यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। जी हाँ, और यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है, मतलब कि यहाँ पे ऐसे 5 प्लेटफॉर्म है, लेकिन अभी 3 प्लेटफॉर्म है, और 2 प्लेटफॉर्म अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा आगे चल के। तो पाटलिपुत्रा
के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर हम आपको जितना कुछ था सारा कुछ था सब हमने आपको दिखा दिया, जितनी भी जानकारियाँ थी सब हमने दे दिया आपको। और अब आपको लिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर दो पर। भैया मास्क पहनते हैं? जी हाँ, बिना मास्क के प्लेटफॉर्म पर एंट्री नहीं करते हैं। और आप सबको भी यही कहते हैं कि जहाँ भी जाएं मास्क का इस्तेमाल करें। जी हाँ, क्योंकि अभी भी यार कोरोना वायरस गया नहीं है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं दो नंबर प्लेटफॉर्म पर पाटलिपुत्रा के। और अब आपको लेकर के चल रहे हैं दो नंबर प्लेटफॉर्म पर। और ये जो पुल आप देख रहे हैं ये अभी नया वाला पुल बन रहा है, और यहाँ पर दो ऊपरी पुल दिया गया है। और यहाँ पर डे 20 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और 20 यहीं पे आकर के टर्मिनेट। और यहाँ पर प्रतिदिन 37 ट्रेनें हॉल्ट करती हैं। जी हाँ, पाटलिपुत्रा जंक्शन पे 37 ट्रेनें प्रतिदिन हॉल्ट करती हैं, और आगे चल के शायद इसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। और सामने आप देख सकते हैं एक और पुल आपको दिख रहा होगा, और ऊपर से आप देख सकते हैं पाटलिपुत्रा जंक्शन का नज़ारा कितना भव्य और कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको अभी एक पुल दिखाया, ये जो पुल अभी, ये पुल अभी बन रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे नीचे अभी नया वाला प्लेटफॉर्म बन रहा है। जी हाँ, उसके लिए ये पुल बन रहा है। और यहाँ पर दो ऊपरी पुल दिया गया, एक तो ये नया वाला और एक और हमने आपको दिखाया पहले, इससे पहले वो। चलिए अब आपको लिए चलते हैं दो नंबर प्लेटफॉर्म पर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर दो पर। ऐसा ही प्लेटफॉर्म नंबर आपको जो है एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, और ये पड़ेगा चार नंबर, और उधर पड़ेगा सामने पाँच नंबर। क्योंकि अभी देख सकते हैं अभी ये जो प्लेटफॉर्म है ये अभी बन रहा है। अगर ये प्लेटफॉर्म बनेगा तो ये प्लेटफॉर्म कहलाएगा आपको एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ये चार नंबर, उधर पाँच नंबर। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं हमने आपको ऊपर से भी दिखाया, अभी ये प्लेटफॉर्म जो है बन ही रहा है। अब देख सकते हैं आप, आपको मैं बैक कैमरा से दिखा देता हूँ। देख सकते हैं अभी ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरा अभी बन ही रहा है। और अभी हम चल रहे हैं अभी तो दो नंबर प्लेटफॉर्म पर, लेकिन बाद में ये प्लेटफॉर्म जो है चार नंबर प्लेटफॉर्म कहलाएगा। क्योंकि अभी पाटलिपुत्रा का दो, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर अभी बन ही रहा है प्लेटफॉर्म। जी हाँ, आप देख सकते हैं काम चल रहा है अभी, और इधर भी काम चल रहा है। तो कह सकते हैं काफ़ी बड़ा स्टेशन है। हमने आपको दानापुर दिखा दिया, फतुहा दिखा दिया, पटना साहिब दिखा दिया, तो ये भी स्टेशन काफ़ी बड़ा स्टेशन है। और आने वाले समय में कई गाड़ियों का यहाँ पर ठहराव दिया जाएगा, और कई गाड़ियाँ यहाँ से ओरिजिनेट होंगी। जी हाँ, फिलहाल आपको यहाँ पर भी आपको जो है फूड स्टॉल ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अभी काम चल रहा है काफ़ी, देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ प्रमुख गाड़ियाँ हॉल्ट लेती हैं, जैसे कि सीमांचल एक्सप्रेस, मुंबई LTT सुपर फास्ट एक्सप्रेस, रक्सौल दानापुर एक्सप्रेस, दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। और कुछ गाड़ियाँ यहीं से खुलती हैं, जो कि मुंबई LTT सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जनहित एक्सप्रेस, पाटलिपुत्रा दरभंगा मेमू पैसेंजर। तो कुछ गाड़ियाँ यहीं से खुलती हैं और कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर हॉल्ट लेती हैं। तो हर कुछ हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया। कैसा लगा आपको पाटलिपुत्रा जंक्शन का ये छोटा सा डॉक्यूमेंट्री? जितनी भी जानकारियाँ थी सब हमने आपको दे दिया, कितनी ट्रेनें खुलती हैं, अभी कौन कौन सा प्लेटफॉर्म बन रहा है, सब कुछ हमने आपको बता दिया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे और किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने भाई बहनों का ख्याल रखें, और अपने ट्रेवल विद दिलीप के साथ ऐसे ही छोटे बड़े ब्लॉग में आते रहें। और जी हाँ भैया, जाते जाते एक बात कहेंगे, अगर आप आते हैं कहीं बाहर से तो कोरोना टेस्ट जरूर करवा लें भैया। जी हाँ, क्योंकि ये आपके देश के लिए किया जा रहा है, ये आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए किया जा रहा है। जय हिंद।